अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए और कान जाकर आई है फिल्म, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको किरदार को लेकर? रोल के बारे में ये कहूँगा कि इस फिल्म में एक करेक्टर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंटू की ये स्टोरी है और जब इस फिल्म में रोल करने जा रहे थे तो सभी लोग पूछ रहे थे भाई ये रोल कौन करेगा, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी वो रोल करने के लिए, क्योंकि उसमें सबसे अहम बात यह है कि दो दोस्त होते हैं जो बचपन से पले बड़े एक जगह में हैं और एक ही बटालियन में भर्ती होते हैं, उसके बाद सडनली वो एक उस हाल में मिलते हैं कि बॉर्डर पे जहाँ पे वो दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं, लेकिन 47 में ऐसा हुआ जब हमारे देश में और एक पाकिस्तान में चला गया और एक इंडिया में रहा, तो वो लास्ट मोमेंट बड़ी इमोशनल वाली मोमेंट थी कि दो दोस्त आपस में जब बॉर्डर पर मिलते हैं तो उनको बहुत वो सारी बातें याद आती हैं, और फिर लास्ट में मुझे तो इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि राहा जी मेरे बचपन के दोस्त भी थे और भी इमोशन वो दिल में थे, तो जब मुझे गोली लगती है उसके बाद वो पाकिस्तानी बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचता है, तो यही बताया है कि भाई एक जो इंडियन सिपाही है उसकी जान चली जाती है बट वो वहाँ पोस्ट से हटता नहीं है, बराबर वहीं पे रहता है, और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात फिर उसके बाद कांस की बात करूँगा कि कांस में मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि जब हमने वहाँ पर बहुत सारी कंट्रियों को लोगों के जो देख रहे थे एक्टर और फिर उसके बाद रोए, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी फ़िल्म को कोई देखे और रियली में जो जिन लोगों की आंखों में आंसू आए जिनको उर्दू समझ नहीं आती है और वो वहाँ पे इतना इमोशनली हो गए और सब लोग रो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कांस में आप जुड़े थे इनके साथ, तो जी हम लोग जब प्रीमियर के लिए वहाँ पे पहुँचे थे हमें इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने सारे इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ पे मिलेंगे, और वो लोग पास के लिए वहाँ पे लाइन में खड़े थे लिटरली, तो हम लोग सोच रहे थे कि इनको इनविटेशन कहाँ से दें कैसे दें, फिर बहुत हमारे राज जी ने बहुत कोशिश की कि इनको कैसे भी करके अंदर लेके आएँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इंटरनेशनल ऑडियंस जिस तरह से वो लोग हमें अप्रिशिएट किए तो काबिले तारीफ था, और कांस में एक बार नहीं हमें दो दो बार हमने प्रीमियर करी है, इसके लिए जो रिस्पांस मिला है वो इनक्रेडिबल था। आपसे जानना चाहूँगा सर, जो दो दोस्त की केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी दिखाई गई है, हमने ट्रेलर में देखा जैसे, तो क्या कहेंगे, क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर आपने? प्रिपरेशन क्या की थी हमने, उसको बस यही था कि कुछ एक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो मंटू का लिखा हुआ एक एक वर्ड था उसके ऊपर हमने यही कोशिश की बस उसको अच्छी तरह से स्क्रीन के ऊपर उतार दें, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पे हमने शूट किया वो बिल्कुल रियल लोकेशन थी और वहाँ पे आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जम्मू कश्मीर में पुंछ के एक बॉर्डर में जब हमने शूट किया तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम एक्ट कर रहे हैं, और मुझे वो वक्त याद है कि जब हम लोग शूट कर रहे थे लास्ट सीन था और सभी लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए हुए थे, ऐसा क्योंकि उनको वो रात के 1-2 बजे उतनी सर्दी में गोली लगी हुई और उस हाल में और उस एरिया में कोई ज़रूरत नहीं थी एक्टिंग करने की हमें, तो वही रियल लोकेशन थी और उसमें हमने जो किया वो कहीं हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने मंटू का जो लिखा हुआ था उसी को बस ये है कि करने की कोशिश की हमने। तो खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आपके किरदार जो है उसमें काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं आप, तो थोड़ा ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम शोएब निकाश शाह है, और हाँ ये बात सच है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, जब कान में फिल्म देखी भी लोगों ने तो देखने के बाद मुझे पहचाना नहीं किसी ने भी, मुझे सबने बोला कि फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे लिए कुछ बोलेगा कि तुमने अच्छा किया या बहुत ख़राब किया, थोड़ी देर के बाद बातें होने के बाद पता चला लोगों को कि मैं वही हूँ ईश्वर सिंह हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरा हमेशा से ये मेरा ख्वाब रहता था कि जो भी मैं फ़िल्म करूँ वो मुझसे अलग दिखाई दे, उसके अंदर शोएब ना दिखाई दे वो कैरेक्टर दिखाई दे, तो फाइनली वो कैरेक्टर दिखाई दिया तो बहुत अच्छा लगा जी। अपने किरदार को लेकर क्या तैयारियाँ की थी आपने, क्या प्रिपरेशन की थी, क्योंकि काफ़ी जो पर्दे पर हमने देखा तो आपका किरदार काफ़ी उम्दा लग रहा था, तो क्या प्रिपरेशन थी आपकी तरफ से? देखिए मैं एक मेथड एक्टर हूँ, तो मेथड एक्टर को तैयारियां करनी पड़ती हैं हर काम के लिए, हर फिल्म के लिए, और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि चाहे वो फिल्म हो, एड फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो या छोटा सा कैरेक्टर हो,
मैं उसके लिए तैयारी कुछ करूँ, कुछ ना कुछ करूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ अपने कैरेक्टर पे। इसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी, अपना वेट बढ़ाया था, और इसलिए भी बढ़ाता हूँ मैं और एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मेरे अंदर वो कैरेक्टर की फीलिंग आए कि मैं शोएब नहीं हूँ, मैं वो कैरेक्टर हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि जब हम शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि 2015 में या 16 में शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि 1947 में हूँ मैं। वो बड़ी अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहा कांस का? बचपन से हम लोग हमेशा कांस का नाम सुनते आए हैं और हमें लगता था कि कभी शायद ये कभी ख्वाब पूरा होगा। अब मनोस्तान ने हमें हमारा ख्वाब पूरा किया और वहाँ पे लोगों का जो अप्रिसिएशन था, दुनिया भर से लोग आए हुए थे, उनका रिस्पांस देखने के बाद बड़ा अच्छा लगा। सर, राहत जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ब्रीफ दी गई थी आपको अपने किरदार के बारे? देखिए, जब भी मैं उनके साथ काम करता हूँ, वो जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन को या फिल्म को नरेट करते हैं, वो पहले नरेशन में ही मुझे जादू सा एक इस तरह का दिखाई देने लगता है, ऐसा विजुअल्स मुझे दिखाई देने लगते हैं। जब पहली बार उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में और इस फिल्म के बारे में बताया कि हम मंटू को की कहानियों को लेकर एक फिल्म बनाएंगे और तुम इस तरह का कैरेक्टर इसमें कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसके लिए, उस दिन ऐसा लगा था कि लाइफ बन गई मेरी। उसके बाद जब तक फिल्म स्टार्ट नहीं होती तो मैं ऑनेस्टली मैं सो नहीं पाता था रातों को, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं करने के लिए, नर्वस भी था, क्योंकि मंटू की कहानियों को हाथ लगाना और फिर उसको उसके साथ इंसाफ करना मेरे लिए तो मेरे करियर पे एक रिस्क था। बट अभी फिल्म जब अलग अलग जगहों पे देखी, लोगों ने अलग अलग लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया कि मैंने काम अच्छा ही किया होगा। इसके अलावा बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता हो? देखिए, बचपन से बॉलीवुड की फिल्में ही तो देखते आए हैं और जितने भी एक्टर हैं बॉलीवुड के, सबकी जो अच्छी फिल्में हैं, सारी फिल्मों से कुछ ना कुछ चीज़ें तो इंस्पायर करती हैं। आप अच्छाई ढूंढने लगो तो हर एक्टर में कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको इंस्पायर करेगी और आप कहीं ना कहीं उसे यूज़ करोगे। तो मैं बचपन से जितनी भी फिल्में देखते आ रहा हूँ उनमें कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं, लेकिन सब फिल्मों का कहीं ना कहीं असर मुझ पर है, सब फिल्मों की इंस्पायरेशन है मुझ में। देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी हम अनाउंस तो नहीं कर सकते, वो तो हमारे डायरेक्टर ही अनाउंस करेंगे, अभी तो हम बता नहीं सकते। बट ये फिलहाल हमारे लिए मनोस्तान इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से वर्ल्ड वाइड लोगों तक और